जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु रखहिं जो को पविधाता वचन प्रतीतन जाई गुरु के वचन प्रतीतन जाई सपने हूँ शुभ मन सुख सिद्धिताई सपने हूँ शुभ मन सुख सिद्धिताई ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव सोई पवन सोई सुबग शरीरा जो तन पाई भजिए रघुवीरा बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं प्रयुपास्ते श्रद्धानां मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। अर्जुन ये गीता धर्म में अमृत है, इस धर्म में अमृत को श्रद्धा और मेरे प्रति समर्पण के साथ यथावत जैसा बचिंतन विधि बताए उसके अनुसार जो सेवन करेगा वो पुरुष मुझे भक्तों में भी अति उत्तम भगत मान्य होगा। गीता धर्म शास्त्र ये धर्म में अमृत है। गीता के अनुसार आत्मा ही एक सत्य है, परम तत्व है, सनातन पुरुष है, कण कण में व्याप्त है, व्याह और ज्योतिर्मय है, अकाल पुरुष है, वही अमृत तत्व है। किंतु उसको विदित करने की जो नियत विधि उसका नाम है कर्म। कर्म पर बल डालते हुए भगवान ने कहा कि नेहा भी कर्म नाशोस्ति पढ़ते वायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन अब तक बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई, अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तुम कर्मों के बंधन को अच्छी प्रकार नाश करोगे, एक फल कर्म का बंधन नाश, दूसरा फल आरंभ का नाश नहीं, तीसरा फल सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग में कुंठ में फंसा के तुम्हें खड़ा कर दे, रिद्धियों सिद्धियों में भरमा दे, ऐसा कोई दोष नहीं। इसलिए स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते में तो बयात। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। आत्मा को विदित करने की जो नियत विधि है, श्वास प्रश्वास का यजन है, प्राणों की गति में विराम लाना प्राणायाम है, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करना है, इसको कार्य रूप देना कर्म। इस कर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला है और इसको कार्य रूप देना ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा दायित्व है। आत्मा अविनाशी धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसे विदित करने की नियत विधि पर जब प्रकाश डाला तो बोले ये तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्म, ये धर्म है। ये एक प्रभु को धारण करना धर्म मानस गीता का ही अनुवाद है। तो गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। गीता भली प्रकार मनन करके
हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है, फिर अन्य शास्त्र के पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत है। जिस भगवान की हमें जरूरत, जिसकी चाहते हो अनुकंपा, उन्हीं प्रभु के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है, फिर अन्य शास्त्र के विस्तार की क्या जरूरत। गीता में ओम को मंत्र का नाम दिया है भगवान ने। प्रश्न है आज का मंत्र, बीज मंत्र, मूल मंत्र, मंत्रोहम अहम वाज्यम अहम अग्निर्हम हुतम, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही हवि हूं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि अनि। उन परमात्मा का नाम ओम, उसका जाप ही मंत्र है, और इसका उपयोग इसमें आया है मानस में, प्रत्येक शास्त्र में। आज का प्रश्न है मंत्र। मंत्र के नाम पर लोग गोपनीय कान में मंत्र कहते हैं, और फिर बताया जाता किसी से बताना मत, ये अति गोपनीय है। और मंत्र के नाम पर तमाम उच्चारण, किस्म किस्म के उच्चारण, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ ही उनके हैं नाम, और हर नाम एक मंत्र, और उतने ही 33 करोड़ भूत, और हर भूत जाड़ने का एक मंत्र, हर प्रांत में, हर जिले में, हर गांव में ओझाओं का मंत्र अलग अलग होता है। हाँ, और वो हो गया मंत्र। एक बोले मैं बिच्छू उतार दूंगा, बोले कैसे, बोले काला भैरू काली रात, भैरू रेंगे आधी रात, 80 भट्टी का मद पिए और 80 बकरा खाए, और काली का पूर्व पुत्र भैरू जहां पठवा तहां जात, छु वाचा गुरु दत्तात्रेय का घोर मंत्र साचा। और एक जापड़ मारा, हम बोले उतर गई बिच्छी, बोले हम बोले डंक जो पीड़ा रहा, बोले दो एक दिन में खुदे उतर जाए, हम एक विश्वास हो गया कि हम मंत्र दे दिया। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। बुद्ध वाले कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, और जैनी लोग कहते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणाम, एसो पंच नमकारो सर्व पाप पवाशनो, मंगलानाम च कर्तारो, भजमन हवई मंगलम। और सेव कहते हैं शंकर जी ओम नमः शिवाय, देव्य नमः, वैष्णु विष्णु भगवान नमः। वैष्णु बोलेंगे ओम रांग रामाय नमः। सन्यासी लोग 5 मंत्र पढ़ते हैं, देवी का, गणेश का, सरस्वती का, शंकर जी का, ओम। ये मंत्र भी 2, 4, 10, 20, 50 करोड़ हैं क्या? क्या भगवान भी दो चार है क्या? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, एक है, एक से भगवान वो व्यापक है, सवा कभी हुआ ही नहीं, एक से दो कभी नहीं हुआ, तो फिर ये बहुत से मंत्र कहां से आ गए? हमें ये देखना कि आपके शास्त्रों में मंत्र का क्या स्वरूप। मंत्र वास्तव में विशुद्ध मंत्र का आशय प्रभु के नाम से है, जो योग साधना अर्थात भक्ति पथ का निर्वाह करता है। इसी के प्रभाव से रिद्धियां सिद्धियां तथा परम तत्व परमात्मा भी सुलभ हो जाते हैं। यह है मंत्र। और एक मंत्र चलता है परामर्श सलाह देना, एक मंत्र कपटी मुनियों ने जपा है, साधु बन के बेस बना के उल्टा सीधा पढ़ के उल्लू सीधा कर लेना, प्राय राजा महाराजाओं ने इसका आश्रय लिया है।
मंत्र प्रभु का नाम है, इसका प्रयोग मांगलिक कार्यों में होता है। जैसे भगवान राम का जब अभिषेक हुआ तो वेद मंत्र तब द्विज ने उच्चारे, नभसुर मुनि जय जय ति पुकारे। वेद मंत्र मुनि लोग पढ़ने लगे, वेद मंत्र मुनि वर उच्च रहे, जय 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 शंकर सुर करहि, शंकर जी आपकी जय हो। यह है वेद मंत्र, जो अविदित तत्व उसको विदित करने वाली ऋचाओं का पाठ। मांगलिक कार्यों पर इसका उपयोग होता है मंत्र का, शादी विवाह में, अभिषेक में मंत्र एक उलझा हुआ प्रश्न है। मंत्र माने सलाह, परामर्श। भरत ने जब राम जी को मनाने का निर्णय किया तो पूरे अवधवासी पीछे लग गए कि जहां राम ता सबई समाजो, विनु रघुवीर अवध नहीं काजू। यहां राम है वहीं सारा समाज रहेगा, बगैर रघुवीर के अयोध्या में हमारा क्या काम। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसा निश्चय करके, ऐसा मंत्र सुदृढ़ करके वो भरत के साथ चल दिया पूरी अयोध्या, देव दुर्लभ निवास सुख त्याग कर। मंत्र माने निर्णय लेना। और शूर्पणखा जब लात खा के चली आई नाक कटा के, तो बिगड़ी रावण के ऊपर कि करसी पान सो वसी दिन राती, सुदिन तब सिर पर या राती। संग से जति कुमंत्र तेरा जा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। तुम्हारे सिर पर शत्रु मडरा रहा, तुम्हें ख्याल नहीं, देख हमारी नाक क्या दशा हो गई। संग दोष से जति नष्ट हो जाते और कुमंत्रणा से राजा नष्ट हो जाता है। मंत्र माने सलाह मशविरा, इसी से मंत्री पद बने हैं, मंत्रालय बना है। रावण ने पूछा तू गई क्यों थी, तू गई तो थी आपन ब्याह करे। रावण को बताया कि तुरे लिए जुगाड़ लगा भैया, भैया एक उनके साथ नारी है, रूप राशि विधि नारी संवारी, रतिक सत कोटि तासु बलिहारी। 100 करोड़ रति देवी भी उसके ऊपर बलिहारी है। मैं तुम्हारे लिए लेने गई थी भैया, कि भैया के लिए उपहार ठीक रहेगा, तो उसके भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। और भगवान से जाके बोली, वो विधवा थी, जब उसका पति मर गया तो बिलखती हुई रावण के पास आई, भाई है कि शत्रु, मेरे पति को तुमने मार डाला, लोग मुझे विधवा कहेंगे। बोले बहन जी, युद्ध के नशे में मैं पहचान नहीं पाया, हमारी जात भी कहीं विधवा होती है, हम हजारों स्त्रियां रखते हैं, तुम हजारों पुरुष को जाओ भाई, खरदूषण के 4-7 मन चाह विहार करो। ओ मन चाह विहार करते हुए घड़ा भर ऋषियों का खून सुबह नाश्ता में पियत रही है, उनका धंधा ही यही था, ब्राह्मण मिल जाए तो दूसरा भोजन छुवत नहीं रही वो दिन, ऐसा ही ना। तो फिर वो तुरंत रूप बदल दिया, बहुत कुरूप थी वो, वेष बदलने में बड़ी माहिर थी, साज सज्जा की विशेषज्ञ थी। जाते ही बोली, शूर्पणखा रावण की बहन, दुष्ट हृदय दारुण यश, बड़ी दुर्दांत निशाचरी थी वो, दारुण जस अहिनी, वो सर्पणी के समान उसका जस था, सर्पणी जिसे काट दे तो मौत देगी, यही उसका यश से। सुधा सराही अमृता गरल सराही मीचू, अमृत की सराहना अमर करने में और विष की सराहना मार डालने में, ये मार डालने वाला यश उसके पास था। वो थी तो बड़ी दारुण, रुचिर रूप धरी प्रभु पई गई, बोली बचन अधिक मुस्काई। तोषम पुरुषन मौसम नारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी, ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना तम कछु तुम ही निहारी।
मेरे अनुरूप रोष सौंदर्य का पुरुष विधाता ने गढ़ा ही नहीं, आप भी बहुत सुंदर हो ऐसी बात नहीं, लेकिन अब जन्म हुआ तो जीना तो पड़ेगा ही, आओ ब्याह कर ले। तो बोले भाई हमारा ब्याह हो चुका है, वो है सीता, ये भी राजकुमार है लक्ष्मण, उधर गई। तो बोले अरे तुम रावण की बहन, एक राजकन्या, महारानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? मैं इन भैया भोजी का सेवक हूं, तुम भी मर जाओगी रात दिन सेवा करते करते। बोले नहीं मैं दासी नहीं हो सकती। बोले तब राम जी से ही प्रार्थना करो। तो लौट आई, तब सोचा कि रोड़ा यह है सीता, तो हमला कर दिया सीता को। बोल भगवान राम ने कहा लक्ष्मण है कौन, जरा इसका रूप सौंदर्य का पता तो लगाओ, नाक पे थोड़ी सी झटका लगा तलवार का तो कपट रूप तो भूल गई, असली रूप में आ गई, कपट खत्म, मारा नहीं। राम जी ने कहा पता तो लगाओ कहा है ये, जहां थोड़ा सा ताड़ना मिली फक देनो अपने रूप में आ गई, विकराल राक्षसी, रुधिर खून की धारा बहने लगी, वेशभूषा में आ गई। तो गई थी अपन ब्याह करने, रावण को मंत्र दे दिया उसने, बोले तोरे लिए स्त्री ढूंढने गई थी, छल छदम कपट कैसे ही अपना गोटी बैठा लेना, ये भी एक मंत्र है। दोकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। लोगों का विश्वास है गुरु जी ही मंत्र देते हैं, लेकिन विभीषण हो गया गुरु। सुबेल पर्वत पर जब राम की छावनी लग गई लंका में समुद्र इस पार, तो विभीषण कानों से लग के भगवान राम को मंत्र दे रहा था। वो ये बता रहा था भगवान ये जो काली छाई है घटा ये मेघमाला नहीं है, और बिजली चमकती है ये बिजली भी नहीं है। लंका शिखरी ऊपर या गारा, तहां दस कंधर देख के अखाड़ा, छत्र मेघ डंबर सिर धारी, सोई जाने हूं घटा है अतिकारी। रावण अखाड़ा देख रहा है, मेघ डंबर छत्र तन्ना है वो काली घटा है, मंदोदरी सर्वनता टंका, सोई जाने हूं दामनी दमंका। मंदोदरी के कर्ण फूल हिल रहे हुई दामनी बिजली की कौंद है, बाजे ताल मृदंगी अनुपा, सोई रहो मधुर सुनो सुर भूपा। ताल मृदंग मधुर जो बज रहे हैं वही बादलों की गर्जन के समान है, घर 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 आ रही जो। मंत्र माने सलाह, बाकी विभीषण राम जी को कौन सा मंत्र देता, मंत्र माने परामर्श, यहाँ विभीषण मंत्र बिचारा, सुनो नाथ बले अतुले उदारा। विभीषण ने फिर एक मंत्र तैयार कर लिया, आप अतुल हैं उदार हैं प्रभु, मेघन आत्मक कर ही अपावन, खलमायावी देव सत्तावन, जो प्रभु सिद्ध होए सो पाई, नाथ बैगी पुनि जीत न जाई। मेघनाथ अपावन यज्ञ कर रहा है, सिद्ध हो गया तो जल्दी जीतने में नहीं आएगा, उचित सलाह मशविरा करना मंत्र कहलाता है। और मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। और उधर विभीषण जब शरण में आए राम के, तो बहुत ही उलझन में था, मेरे ज्येष्ठ भ्राता ने जिस सीता माता का हरण किया है क्या मुझ पर विश्वास करेंगे, प्रभु मुझे शरण में रखेंगे क्या, कायदे से तो नहीं रखना चाहिए। पूरी बांद्री सेना के सेनापतियों ने सब ने मना किया इस दुष्ट को मत रखो। राम ने कहा नहीं, जो सभी त्यावा शरणाई, रखे उता ही प्राण की नाई, गले मिले। अब वालू उठाया समुद्र की और अभिषेक कर दिया, बोले आओ लंकेश। बोले प्रभु लंकेश तो रावण है। बोले उसकी आयु पूरी हो गई विभीषण जी, अब ये भार इस भार को तो आप ही को वहन करना होगा। बराबर में बैठा दिया, तुरंत बोले विभीषण जी मेरी सेना कैसे पार हो, आप कोई उपाय बताएं, क्यों कि आप उस पार आते जाते हैं। बोले प्रभु समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए, आपका बाण समुद्र को सुखा सकता है, लेकिन नीति कहती है कि प्रार्थना करनी चाहिए।
राम प्रार्थना करने बैठ गए कुश बिछा के, तो लक्ष्मण एकदम बौखला गया। तो मंत्र ने यह लक्ष्मण मन भावा, विभीषण ने जो मंत्र दिया था वो लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। राम वचन सुनी अति दुख पावा, सोचा आज ही तो आया है, आज ही महामंत्री मंत्रणा देने लगा। जाने न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ये उस रावण का भाई है जिसने माता सीता का अपहरण किया है। भड़क गए लक्ष्मण, बोले प्रभु देव का कौन भरोसा, समुद्र सूखा ही है। तो बोले लक्ष्मण निश्चिंत रहो, थोड़ा मुझे नीति का पालन कर लेने दो, फिर तुम कहते हो वही होगा। 3 दिन तो नीति पालन किया और कहा लक्ष्मण जरा धनुष बाण तो लाओ, फिर वही किया राम जी ने जो लक्ष्मण कह रहे थे। तो मंत्र माने एक सलाह होता है। रावण के पास मंत्र की प्रक्रिया बहुत ऊंची थी। मंत्र आकर्षण कर दस भाला, अहि रावण मन डोल पताला। आकर्षण मंत्र, खींचने वाला मंत्र, बुलाने वाला मंत्र। आजकल जो टेलीफोन कर दो कलकत्ता तो वो चला आएगा, नहीं चला आए। आपके पास अभी फोन आए तो आप घर चले जाओगे, रावणों के पास रहा। पाताल लोक में फोन कर दिया वो चला आया तुरंत, पता नहीं किस बांध से आया। आकर्षण मंत्र, प्रेरित मंत्र। जब प्रभु राम ने बाण छोड़ा जयंत के पीछे तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, वो केवल मार नहीं रहा था, प्रेरित कर रहा था। बैल जब कम चलते हैं हर में तो थोड़ा खोद देते हैं ना, ओके बैठने नहीं दिया उसको। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोक का, फिरा शर्मित व्याकुल भय शोका। सब जगह शर्मित व्याकुल भय और शोक में विकल होके पिता के पास भी गया, लेकिन कहीं टिका नहीं। तब देवऋषि नारद ने कहा जा राम जी की शरण में। वो घूम के जाके चरणों में गिर गया और उसका उद्धार हो गया। प्रेरित मंत्र, तो मंत्र का तात्पर्य एक राजनयिक पैटर्न पर मंत्रालय, मंत्रिमंडल और उचित सलाह मिश्रा का नाम है मंत्र। किंतु जो शास्त्र में जिस मंत्र को लेने के लिए हम तरसते हैं, जिस मंत्र के जाप करने से भगवान भी वश में हो जाते हैं, वो मंत्र केवल प्रभु का नाम है और कुछ भी नहीं। तो ब्रह्मन राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि महु लियो महेश जिए जानी। ब्रह्म पार ब्रह्म परमात्मा राम, इनसे भी नाम बड़ा है, नाम वरदाता है। और तुम नहीं मांगोगे तब भी नाम जपोगे तो वो फल दे देगा, वो वरदानी है, वरदायक वरदानी। रामचरित सत कोटि महु, 100 करोड़ रामचरित्रों में से शंकर जी ने छांट कर इसको अलग किया है। तो रामायण सत कोटि अपारा, नाना भांति राम ही अवतारा। 100 करोड़ बार अपार रामचरित मानस से, उतनी विधियों से राम का अवतार है। भगवान शिव ने 100 करोड़ नामों में से छांट के इस राम नाम को अलग किया। इसलिए बंदौ नाम राम रघुवर को, ये तु कृष्णानु भानु ही मकर को। मैं उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है उसी की उपज है, उसी से प्रकाशित है। ये महान मंत्र है, महामंत्र जही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र है जिसको शंकर जी जाप करते हैं, काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु भी ये राम नाम ही है। मंत्र माने महामंत्र है, राम और ब्रह्म से भी बड़ा है। ब्रह्म और राम को प्रकट करने की क्षमता रखता है तो नाम इसलिए बड़ा है। 100 करोड़ में से शंकर जी ने चुना ये महामंत्र, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं जिसको शिव जपते हैं। काशी में मरने वाले जीवों को इसी मंत्र के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। तो मंत्र महामणि विषय व्याल के,
मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये महान मणि है मंत्र, विषय ब्याल के विषय रूपी विषधर के असाध्य कुअंक, विषयों के कुसंस्कार जो जीव अनंत योनियों के कारण है, दुख के कारण है, उनको भी मिटा देता है। भाग्य में कुअंक जो कुसंस्कार विषय रूपी विष के पड़े हैं, संसार एक सर्प है, विषय रूपी विष उगलता ही रहता है, उसके कुसंस्कार भी ये काट देता है, विष मुक्त कर देता है, मौत की ओर जा रहा था जीवन प्रदान कर देता है। इसलिए महान मणि है मंत्र, एक नाम का जाप, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, पूजई तुम ही सहित परिवार। ये मंत्रों का भी राजा है मंत्र राज, राजयोग की निश्चित मुक्ति दे दे, राज भोग फिर कुछ भी भोगने की इच्छा न रहे, राज रोग फिर सारे विश्व के डॉक्टर सिर पे खड़े हो जाएं, तब भी न बचा सके, निश्चित मौत दे, ये राज मंत्र है। निश्चित प्रभु का दर्शन कराई के दम लेगा तो मंत्र राज मंत्रों का राजा है। तो मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, लेकिन पूरे संयम के साथ, पूजे ही तुम ही सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ मंत्र जाप करने के लिए यम नियम जो चाहिए सारे संयम के साथ अनुष्ठान करे। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मेरे नाम का जाप यही वेदों ने प्रकाशित किया है। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। लोमस के यहां पहुंच गए कागभूषण, वो पहले तो टाल टूल देना चाहते थे, और कागभूषण ने जब बहुत हट किया तो बोले, कौवे की तरह काव काव लगा रखा है, जाओ चंडाल पक्षी कौवा हो जाओ, श्राप को हमने शीश चढ़ाया, मुझे ने भय लगा, ने दीनता आई, ने अरसी हुआ, दीनता आई ही नहीं कछु भय, ने दीनता आई, लीन श्राप में शीश चढ़ाई। तो तुरत भयों में कागत पुनि मुनि पद शिरुनाही, रघुपति चरण हृदय धरी, हर्षित चले उड़ाई। मैं हर्ष के साथ उड़ चला तो मुनि चिंता में पड़ गए, मुनि मम महतशीलता देखी, राम चरण विश्वास बिसेखी, अति विस्मय पुनि पुनि पछताही, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। उपस्थाने लगे, सादर बुला लिया और फिर बहुत सांत्वना दिया, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। फिर वही राम मंत्र दे दिया, हर हालत में प्रभु का एक नाम ही ये राज मंत्र है, ब्रह्म और राम से भी बड़ा है ये महामंत्र है। लेकिन जपने की एक विधि है, द्वादशी अक्षर मंत्र पुनि, जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह, दंपति मन अति लाग। द्वादश अक्षर, लोग कहते हैं ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम भगवत, ऐसे गणित लगाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, दस और मन और बुद्धि, अब चित्त और चित्त की वृत्ति प्रवृत्ति, चित्त और चित्त का प्रवाह वेग, इसका नाम है मन बुद्धि चित्त और चित्ति। फिर कालांतर में लोगों ने इसको चार भागों में बांट लिया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार चतुष्टि अंतःकरण। लेकिन उपनिषद के ऋषियों ने दो ही भागों में रखा, मन और मन की प्रवृत्ति। द्वादश, ये अक्षय हो जाए, संयत हो जाए, ये संयम इनका सद जाए, इनको संयमित करके द्वादश अक्षर ये अक्षय हो जाए, और तब फिर मंत्र जापो, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, इस संयम को साधते हुए मंत्र को जपो, जप ही सहित अनुराग, बड़े अनुराग सहित जप रहे थे,
मनु और माता शत्रुपा वासुदेव पद पंकर दंपति मने अति लाग, जो सब की श्वास में वास करता उस देव के चरणों में अत्यंत मन लग गया। तो मंत्र परम लघु जासु बस, फिर मंत्र में एक गुण और, ये 36 करोड़ देवता भजने की जरूरत नहीं है। हमें हनुमान जी को खुश करना तो हनुमान जी हनुमान जी, देवी खुश करना देव्य देव्य, ओम गंग गणपते नमः, ये बवाल नहीं। सारे के सारे सृष्टि के देवता एक साथ खुश हो जाएंगे मंत्र से, कि मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र बहुत छोटा और उसके बस में विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज को बस करे अंकुश कर, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता 33 करोड़ देवी देवता उसके बस में हो जाते। जब इंद्रिय संयम के साथ मंत्र में आप जाप करो, मंत्र संयम के साथ आगे बढ़ोगे, संयम सदा और मंत्र जहां जपोगे, तो आप फिर देखने में मंत्र छोटा, उसके बस में ब्रह्मा हरि और हर सारे 33 करोड़ देवता मैं पर ब्रह्म परमात्मा सब बस में हो जाएंगे। परमात्मा के भजन की 3 श्रेणी है, पहले तो जीव अचेत है, मोह निशा सब सोवनी हरा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह रूपी रात्रि में निश्चेष्ट पड़ा है, रात दिन दौड़ धूप करता मात्र स्वप्न देखता है। लेकिन जब ये जग जाए, यही जग जामिनी जा गई जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी, इस जगत रूपी रात्रि में योगी जाग जाता है, परम धन अर्थ जो शाश्वत धन का उपप्रत्याशी है और विधाता के प्रपंच के वियोगी हो जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृतो संयम, इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े, संयमी पुरुष जाग जाता है। तो मनुष्य अचेत है, जब साथ भजन की पटरी पर आपकी गाड़ी आई, भजन जब जागृत हुआ, तो भजन वैसे तो जागृत होता नहीं, मंत्र लिखने में नहीं आता, वाणी से भी नहीं, नाम तो जाप तो ओम राम ही करना पड़ेगा, लेकिन ये एक अवस्था ऐसी आती जहां मंत्र की संज्ञा पा जाता है। जो विधि भगवान आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं, मार्गदर्शन करने लगे, हमें भजन की विधि पढ़ावे दृढ़ावे, तो परमात्मा की वह प्रशक्ति सुनवाई का प्रथम चरण है कि प्रभु आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए, विधि संचार करने लगे। तो ये विधि पर विधि प्रसारण की जब समता आ गई, तो ब्रह्मा ये है संरचना, सृष्टि अनादि है, अस्त व्यस्त अचेत है, वो जागृत हो गया। और विधि के अनुसार जब साधना थोड़ी उन्नत हुई, तो योग क्षेम करने लगते हैं, रक्षा करने लगते हैं, तो परमात्मा की व्यस्त प्रशक्ति जो परवरिश करते हैं, भरण पोषण करती है, उस परशक्ति का नाम है विष्णु, विश्व अणु से विष्णु, विश्व के जिस किसी अणु पर आप खड़े हों, उस अणु से ही जागृत होकर आपका योग क्षेम परवरिश भरण पोषण सुरक्षा प्रदान करने लगते हैं। तो ये परवरिश करने वाली परशक्ति का नाम है विष्णु, और फिर उन्हीं के वरदहस्त के नीचे साधना और उन्नत हुई, मूल का स्पर्श किया, तो संहार करने वाली परशक्ति का नाम है शिव। इस क्षण प्रकृति की सीमाओं से अतीत, इसलिए शिव। इस क्षण संहार हुआ, एक भी संस्कार बाकी है, तो जैसा संस्कार है जन्म लेना पड़ेगा, अंतिम संस्कार का मिट जाना, तो हमें जन्म कौन देगा, जब संस्कार है ही नहीं तो पुनर्जन्म कौन देगा। तो अंतिम संस्कार का मिटना ये संग और तुम्हारे जन्म मृत्यु के कारण का सदा के लिए मिट जाना एक साथ घटित होता है। तो परमौनी परमात्मा की वह परशक्ति जो संगार करती है,
उसका नाम है शिव। लेकिन शिव शब्द के दो प्रयोग हैं, एक तो श्रृंगार करने वाली परशक्ति परमात्मा की, दूसरी श्रृंगार का क्षण पूरा होते होते जो स्थिति शेष बसती है वो है परमात्मा तत्व, कल्याण तत्व, परम तत्व, पुरुषोत्तम, अविनाशी तत्व, शिव तत्व। जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है वो शिव तत्व, श्रृंगार के साथ प्रकट होने वाली वस्तु। तो शिव के उभय प्रयोग है, एक तो परमात्मा की वह पर शक्ति जो श्रृंगार करती है, दूसरा वह जो श्रृंगार के साथ ही जो अवशेष छूटता है। प्रकृति में जन्म मृत्यु का कारण खत्म हुआ तो अवशेष बचा परमात्मा, व्याप्त ब्रह्म का दर्शन और स्थिति, वो है शिव तत्व, कल्याण तत्व। शंकर जी के शरीर में बहुत बड़ी शमशान की विभूति रहती है, जब एक भी संस्कार बाकी नहीं तो हृदय हो गया शमशान, जीवाणु है ही नहीं, कोई जीवित नहीं। उस वक्त के ईश्वरीय विभूति सभी अवतरित शेष बसती है, इसलिए शंकर शमशान की विभूति अपने तन में रमाए रहते हैं। विभूति है और ढरदानी भूतनाथ, भूत माने जीवित प्राणी, प्राणी मात्र की शरण स्थली है तो वो महापुरुष, और जो इस शिव तत्व में निष्ठ है स्थित है वो ही होते हैं सदगुरु। इसलिए शंकर आदि सदगुरु है। नास्ति तत्वम गुरु परम, जिसका कभी विनाश नहीं होता परम गुरु है, जो उस गुरुत्व को प्राप्त कर लिया वो सदगुरु। शिव सदगुरु पुरुषोत्तम परमात्मा, ये कई शब्द वहां प्रयोग में आते हैं। तो गुरु एक क्वालिटी है, गुरु एक स्थिति है, ये नहीं कि हम भी गुरु आप भी गुरु। तो मंत्र में वह शब्द है कि विधि जागृत हो जाएगी, भगवान पढ़ाने लगेंगे, भगवान योग क्षेम करने लगेंगे, भगवान संहार कर देंगे, आपका संहार नहीं करेंगे, आपके जन्म मृत्यु के कारण का संहार कर देंगे, और जो अंतिम कारण जो खत्म हुआ उसका पूर्ण होते होते जो अवशेष बचा वो शिव तत्व कल्याण तत्व, वही सदगुरु हैं। सत्य से संयुक्त और दूसरों में सत्य प्रसारित करने की क्षमता हो उन्हें सदगुरु कहते हैं। गुरु एक स्थिति है, भगवान कृष्ण भी गुरु गरियान, गुरुओं के भी परम गुरु है, परम पूजनीय है। तो भगवान का नाम है मंत्र, लेकिन ये मंत्र जब प्रभु की प्रेरणा सूत्र में आ जाता है, ये नाम साधारण नाम प्रभु की प्रेरणा के वरदहस्त के नीचे आ जाता है, उस दिन से ये मंत्र कहलाता है। नाम तो लाखों लोग लिख के गंगा में बहा देते हैं, फाइल की फाइल तैयार कर लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वास्तव में ये साधारण नाम जपते जपते एक स्ट्रेस आएगा, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके इस नाम का जाप करो। गुरु महाराज का कहना था भजन एक छिपी हुई वस्तु है, कितना बेटा राम राम करो सब ऊपरी ऊपर है कहीं कुछ नहीं, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही जागृत हो जाया करता है, भजन एक जागृति है। ओम राम शिव किसी दो ढाई अक्षर के नाम का जाप करो, कहीं भी चले जाओ, घर में रहो कहीं रहो, सुबह और शाम देख लिया करो कैसा आश्रम कैसे गुरु महाराज, पांच मिनट देख लिया करो सुबह शाम, और ओम अथवा राम किसी दो ढाई अक्षर के एक नाम का जाप, चलते फिरते खुरपी चलाते खाना खाते पानी पीते स्मृति पटल पर सदा नाम याद आया करे, स्मरण बना रहे सोने में सुहागा है, सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय 20 मिनट अवश्य दो, नियम खंडित कभी नहीं होना चाहिए, चाहे लाश पड़ी रहे, अरे तो लाश हो ही गया तूने रोए से भजन छोड़ने से क्या जी जाए, इसलिए नियम खंडित न हो। गुरु महाराज का स्वरूप देखो, वो सदगुरु जो तत्वदर्शी हैं शिव स्वरूप में स्थित हैं, दो मिनट भी इस स्वरूप देख ले जाओगे बेटा जिसका नाम भजन है जिसका नाम मंत्र है, मैं यहां बैठे बैठे दे दूंगा, तुम घर बैठे बैठे पा जाओगे।
मंत्र एक जागृति है, वो वाणी से कहने में नहीं आता, वो अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय ही नहीं है, वो एक जागृति है। जहां स्वरूप पकड़ा तो सदगुरु जो वाणी से कहते हैं वो हृदय से कहने लगेंगे। वाणी से महापुरुष तभी तक बोलते हैं जब तक हृदय से बोलना शुरू नहीं कर दिया, फिर बारह आना हृदय से, दो एक आना वाणी से। इसका नाम है भजन की जागृति। तो भक्ति ताते अनुपम सुखमूला, मिले जो संत हुई अनुकूला, वो मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। ये जागृति की आत्मा ही अब जागृत हो जाए, प्रभु जागृत हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे, ये किसी जागृत सदगुरु के द्वारा ही संभव है। इसलिए गुरु बिनु भवन दितर न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। सदगुरु अनिवार्य, दान दया दम तीरथ मजन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। दान करो दया करो, इंद्रियों का दमन मन का समन, जहां तक धर्म श्रुति और सतपुरुषों ने कहा ये धर्म है, तीर्थाटन धर्म है, दान दया सारे संयम सारे व्रत उपवास धर्म है, लेकिन ये धर्म हमें पहुंचाएंगे भक्ति के पास। सब कर फल हरी भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन का हो पाई। सबका फल हरि की भक्ति है, किंतु सो बिनु संतन का हो पाई, बगैर संत के आज तक किसी ने प्राप्त किया ही नहीं। लक्ष्मण अनुपम सुख की मूल भक्ति है, बोले भगवान प्रदान कर दे, बोले सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता, मिले जो संत हो ही अनुकूला, जिनके संशयों का अंत हो चुका वो संत है। तो नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। नाम और प्रभु का स्वरूप दोनों की गति अखत नहीं है, कथानक है, समझने में सुखदाई है, वर्णन नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं भगवान अनिर्वचनीय है, अमूर्त है, अरूप है, लेकिन गोस्वामी जी का कहना नाम भी अमूर्त है, अरूप है, अचिंत्य है, अकथनीय कथानक है। जब राम राम कह दिया तब तो कथन हो गया, ये भी एक जागृति। तो तत्वदर्शी महापुरुष के शरण सानिध्य में टूटी फूटी सेवा, उनके निर्देशन के अनुसार टूटी फूटी साधना जहां पार लगी, और उनका दो मिनट भी स्वरूप पकड़ में आ गया, श्रद्धा से ही संबंध जुड़ गया, तो भजन जागृत हो जाएगा। फिर आत्मा से ही वो परम प्रभु परमात्मा अभिन्न होकर खड़े हो जाएंगे, पढ़ाने लगेंगे। भगवान पढ़ाते हैं, सदगुरु पढ़ाते हैं, आत्मा जागृत है, आत्मा पढ़ाती है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जागृति सदगुरु से है। तो पहले ये विधि जागृति, फिर जब स्तर उठ गया तो योग योग क्षेमम बहम्य, हम योग क्षेम करने लगते हैं, और लक्ष्य का स्पर्श किया तो प्रवेश के साथ संघार, आपके जन्म मृत्यु के अनंत कारणों का अंत करना ही संघार। संघार करने वाली प्रशक्ति शिव, संघार के साथ अवशेष बच्चा वो शिव तत्व। एक ही नाम को चार श्रेणियों से जपा जाता है, वेखरी मध्यमा पसंति परा, खूब नाम जपो राम राम ओम ओम, व्यक्त है वेखरी, हरि कीर्तन करो, झूम के करो, डांस करो, सब सही, लेकिन फिर जब शांति कान बैठो तो बैठ के चिंतन से जपो, ये कंठ से उच्चारण करते हैं, हल्का जीभ का सहारा दो, उच्चारण अवश्य करो, सुनो भी, पड़ोसी कोई हो तो उसको न सुनाई पड़े, वो तेज था ये मध्यम। फिर नंबर आता है पश्यन्ति वाणी का जाप, शांत बैठ के देखो श्वास कब, श्वास अंदर गई कब आई, कितनी रुकी फिर कब लौटी, उसको पहचानो। दो चार बार जब मन देखने लगे, ड्यूटी करने लगे, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगे, मन जब भली प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करने लगे, श्वास को देखने लगे, तो आहिस्ते से चिंतन से नाम डाल दो, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम ओम, ऐसी खरी ड्यूटी दो कि एक भी श्वास हमारी जानकारी के बगैर व्यर्थ में जाने पड़े। उस दिन तो ढालना पड़ता है चिंतन से, फिर ढला ढलाया मिल जाएगा, श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं, केवल देखा भर करे। हर महापुरुष ने आदेश दिया श्वसन क्रिया पर सूरत को स्थिर करो,
भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्शान स्पर्शान कृत्वा बाहिर बाह्यां से चक्षुष्चेवांतरे ब्रुवो हो नाशाभ्यंतरचारिणो नाश के हम विचरणे में श्वास को देखो, श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती नहीं, देखा भर करे तो जो मन भाग दौड़ कर रहा था वहां तो कर्तव्य परिपालन करने लगा अपना, तो संकल्प कौन करे, इसका नाम है अजपा। उस वक्त ये वायु से तेज चलने वाला मन सिमट के नाम के अंतराल में स्थायित्व ले ले तो ये मंत्र की अधिकतम सीमा प्रकाशता परिपक्व अवस्था है मन अंतर से मंत्र, जब नाम मन को अपने अंतराल में स्थान दे दे और मंत्र जब प्रभु पढ़ाने लगे कि अब श्वास ठीक लगी बेटा, अब गड़बड़ हो रहा, अब सावधान हो जा, अब लग, यह है मंत्र की जागृति, भजन की जागृति। इस तरीके से ये जो जागृति हुई आप में गोपनीय है, वही जानता है जिसमें जागृत है। सूरत भी श्वास में टिक गई तो वही जानता है जिसकी टिकी है। कह जाने जी आप ना कह रहे जनावे पीव, किंतु लोगों ने इसका मंत्र एक जागृति गोपनीय है, गोप वास्तव में गोपनीय है। जब नाम रूप गति अकथ कहानी कथने में आता ही नहीं तो गोपनीय तो है, जब वाणी से निकलना ही नहीं उसको, लोगों ने इसको इससे बड़ा लाभ उठाया। कपटी मुनि ने प्रताप भानु को भरमा दिया। छठे श्रवण ये परत कहानी नाश कुमार सत्य मम्बानी, क्योंकि जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फरे तबे जब करिए दुराव। योग युक्ति मंत्र का प्रभाव तब फलीभूत होता है जब किसी को बताया न जाए। कदाचित बता देते तो सीआईडी विभाग सक्रिय हो जाता, राजा के प्राण बच जाते, राज बच जाता, और नहीं बताए तो परिणाम निकला सर्वनाश हो गया। मंत्र गोपनीय है, ये कपटी मुनियों ने बड़ा लाभ उठाया इससे। और एक ने हनुमान जी को भरमा रखा था तो बोले हनुमान जी जब उधर से गुजरे तो कालनेमी रावण का अनुचर पीछे से चला, हनुमान जब चल दिए तो पीछे से बुला के उसको भेजा, पहले पहुंच गया। इतनी स्पीड से सर मंदिर बर बाग बनावा, असकई रचसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, बाटका तैयार, मंदिर तैयार, अपने बैठने की चौकी तैयार, भेष भी बना लिया, मैं तो राम ही राम पुकारू और नाम ने जानू सीताराम सीताराम सीताराम। हनुमान पाएंगे झांसे में, बोले कोई महापुरुष से प्रणाम कर ले। बोले आओ हनुमान, बोले प्रभु हमें पहचानते, बोले अच्छी तरह, मैं तपोबल से देख रहा हूँ, राम रावण युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, एक वैद्य ने तुमको भेजा है, विजय राम जी की होगी, उस दुष्ट राक्षस की आयु पूरी हो गई है हनुमान, तुम ऐसा करो रात भर यहीं विश्राम करो। तो बोले अरे मैं यहाँ विश्राम करूंगा तो रामादल में अंधेरा हो जाएगा। बोले अरे तुम्हारे ऐसे अंतरंग भगत में इतना अविश्वास कहां से आ गया, जहां राम रहते हैं सदा प्रकाश रहता, अंधेरा हो ही नहीं सकता, वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। खैर कोई बात नहीं, तुम सरमंजन करके आओ, मंत्र ले लो। लगे हनुमान मंत्र लेने, तालाब में जहां पांव रखा तो मगर ने पकड़ लिया, उठा के पटका तो उसमें से दिव्य गंधर्वी प्रकट हुई। बोले हनुमान जी भगवान प्रभु को किसी संजीवनी की आवश्यकता नहीं थी, मेरे उद्धार के लिए आपको भेजा है, लेकिन सावधान हनुमान जी, ये रावण का अनुचर राक्षस से मुनि नहीं है, मुनि न हो ये निश्चर घोरा, आपका हत्या करने के लिए मौके की तलाश कर रहा है। तो हनुमान जी ने कहा तुम निश्चिंत रहो, ये मेरी हत्या करने नहीं आया बल्कि खुद मरने आया है। बोले जाए तो जाते ही बोले हनुमान जी ने कहा कह कपि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हमें ही मंत्र तुम देहु। महाराज गुरु दक्षिणा ले लो फिर मंत्र देना। बोले नहीं बेटा पहले तुम मंत्र ले ले। उस सोचा जब मंत्र कान पकड़ू तो गटई में रेड़ दे। बोले नहीं नहीं पहले दक्षिणा लो। बोले लाख क्या देता है। बोले चरण इधर बढ़ाइए। जहां चरण बढ़ाया पांव पकड़ के पटक दिया और आगे बढ़ गए।
काश ये मंत्र गोपनीय रहा होगा तो हनुमान देर में निकलते उस बहुजाल से। इसलिए गोपनीय मंत्र ने कि आड़ पकड़कर इस मंत्र तो वास्तव में गोपनीय है, लेकिन इसकी एक भ्रांति ने बहुत धोखा दिया है समाज को। धृतराष्ट्र से उनके मंत्री चार्वाक ने आकर कहा, राजन आप पांडवों को मरवा डालो, आपके बच्चे दो नंबर होते जा रहे हैं। और आप बोले कैसे मरवाऊं, बोले आप संतों की भाषा याद करिए, संसार झूठा है, नश्वर है, दो कौड़ी का है, जीवन निरर्थक जा रहा है, मैं तो तपस्या करूंगा, राजपाट से प्रयोजन नहीं है। वत्स को प्रिय अनुज पुत्रों की झड़ी लगा दी धृतराष्ट्र ने और लाक्षाग्रह बनाई डाला, लेकिन जब भगवान का वरदस्ताव निकल गए तो प्रिय अनुज पुत्रों, ये बहुत खतरनाक मंत्र है, तो ये इससे बहुत लोगों ने काम लिया। बुद्ध जब घर से निकले थे, पहले दिन ही जब वनवास में कदम रखा, भगवा वस्त्र पहने एक सन्यासी दिखाई पड़ा। बुद्ध ने कहा आप सन्यासी नहीं हो सकते, ये धनुष बाण, ये आड़ में छिपाई हुई छुरी, तुम हमें बधिक लग रहे हो। बोले मैं बधिक हूं, तो बोले ये भेष क्यों बनाया, बोले मिर्गे विश्वास करके जल्दी करीब आ जाते हैं, हमारा काम जल्दी हो जाता है। बोले ओ उनके विश्वासों को भी तुमने धोखा दिया, इतना अत्याचार, संतों के भेष को भी तुमने बदनाम किया, ले ओ, मेरे वस्त्र ले लो, तुम अपने हमें ले लो। खुशी खुशी ले लिया, वो राजकीय पोशाक थी बुद्ध के पास। जब बदल लिया तो बुद्ध ने कहा फलानी जगह दुकाने ले जाके देखा ना, तुम्हें इतना धन मिल जाएगा तुम दूसरा धंधा कर लो। और जरी और स्वर्ण से चांदी से पहले वस्त्र बनते थे, उसका नाम खिनखाप था। एक डाकू जी ऊब गया एकदम, डाका डालते डालते परेशान हो गया, दुखी हो गया, पता नहीं कौन कौन कुकर्म उसे पार लग रहा खाली पैसे के लिए। चला गया संत के यहां, बोले शिष्य से बना लो लाल लाल आंखी। जो डाकू जो बहुत बर्बरता से गुजरता है उसकी आंखों में खून उतर आता है, आपको मौका नहीं लगा होगा, हमने देखा है। तो वो एकदम जैसे हो लाल रंग पोता हो पूरा आंख में, वही जब साधु हो गया तो ठीक हो गया, राम सिया डाक साधु बर्बर डाकू। तो फिर महात्मा ने चाय वाय पिलाया और विदा कर दिया, टाल टूल दिया दो तीन जगह। एक महात्मा ने कहा ठीक है तुम इस नाम का जाप करो, वही शुरुआत में तो नाम फर्जी होता ही है, शुरुआत है, इस नाम का जाप करो। टेम्परेरी नाम दिया, एक झंडा पकड़ा दिया काला बांस बांध के, बोले ले जाओ इस नाम का रात दिन जाप करो, झंडे को देखा करो, जिस दिन ये काला झंडा सफेद हो जाएगा तुम चले आना मेरे पास। निकल गया, अब घूमता रहा साल खंड, रोज बेचारा झंडा देखे और अपन चिंतन में लगा था। रात में कुएं पर वो बैठे थे ये महात्मा डाकू जी, इतने में वो थोड़ा एकांत गांव से थोड़ा बाहर तरफ घर रहा, वो चार बदमाश उसमें प्रवेश कर गए, सब माल भी बांध लिया, चार बिटिया रही उन्हों के घसीट ले गए। अब सोचा मैं इन बचा सकता हूं, इन बच्चों को मुझ में क्षमता है, किंतु मैं हूं साधु, मैं क्या करूं। फिर नहीं रह गया तो झंडा को तो लपेट लिया बांस में और टूट पड़ा, चारों को मार के गिरा दिया और एक ठूंस के हुर्दा से झोंपड़ी में बंद कर दिया, बाहर से लगा दिया कूड़ा। बिटियंस का बेटा जाओ, अब कोनो खतरा नहीं है, अपन सामान ले जाओ, घर में चलिए। और जब यहां हो हल्ला हुआ तो गांव भर जग गया, घबराना मत हम आ रहे हैं, घबराना मत हम आ रहे हैं, देख लेंगे। ये आया कोई नहीं, बड़े सवेरे जब इकट्ठे हुए तो, और एक वृक्ष के नीचे वही महात्मा बैठे थे, बोले इसकी आंख तो देखो, ये बेश बना के बैठा, यही है लुटेरा लगता है। घसीट के ले गए वहां उन बिटियन के पास, बोले यही लूटा, बोले अरे इन्हीं ने तो प्राण बचाए, लाज बचाई, धन बचाया, इन्हीं ने तो हमारी रक्षा की थी, इन्हीं महाराज ने।
तो बोले वो बदमाश कहाँ भाग गए, तो महात्मा जी ने तो बंद किया था झोंपड़ी, बोले झोंपड़ी खोलो जरा, मिल गए। जब महात्मा जी ने झंडे की ओर देखा तो एकदम सफेद, दौड़ते हुए पहुंचे, बोले महाराज लो झंडा सफेद। बोले बेटा हमारे नाम में कितना पावर था कि झंडा सफेद हो गया। बोले नहीं महाराज, आपके नामे के पावर से सफेद नहीं हुआ, अमाऊ के बांस चलाना पड़ा है तब सफेद हुआ है। तो गुरु डाल दिहले मुंगड़ा हलल करे चेला, गुरु जब एक मुंगड़ा माने मोती डाल दिया और उसमें प्रवेश करना है शिष्य को जो सतत बांस चलाता रहेगा पूर्वक, तो ये हृदय में दो रंग है सबके हृदय में, अविद्या वाला काला और विद्या वाला व्हाइट, काला वाला छट जाएगा सफेद वाला आ जाएगा। और इसलिए साधु ते हो इन कार जाने, कभी किसी का अनिष्ट नहीं होता। तो नाम पकड़ो और बांस चलाओ तबे सफेद हुई, गुरु जी से कान याद कर लिया और अपन भूल गए। इसलिए महाराज का कहना था चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते पानी पीते सोच जाते नाम जपने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं है। फूल बैसा के खुशबू छिड़क के अत्र छिड़क के बैठोगे, हृदय में श्रद्धा नहीं समर्पण नहीं कंठ पर नाम नहीं विरह नहीं तो जगह अपवित्र है।